दोस्तों बेसन में दो चीज मिला के लगा लो तो आपकी स्किन जो है ना वो एकदम ग्लास की तरह चमकने लगेगी। अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे है, स्किन में अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है या फिर स्किन में झाइयां, पिगमेंटेशन, मिलाजमा इस तरह की प्रॉब्लम है, स्किन में बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, एजिंग साइन आना स्टार्ट हो गई है, तो फिर आज की रेमेडी आपके लिए है। ये वन स्टेप फेशियल आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करेगा, इन सारे प्रॉब्लम को दूर करके आपकी स्किन में एकदम पार्लर फेशियल जैसा ग्लो लेके आया। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हैं, फटाफट से रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है दही। दही हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, ये आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करती है, टैनिंग को रिमूव करती है और आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ भी बनाती है। दही में होता है लैक्टिक एसिड और ढेर सारे विटामिन मिनरल्स जो कि आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करती है, दाग धब्बे को दूर करती है और स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आती है। नेक्स्ट इसमें मैंने डाला है एक चम्मच बेसन। जी हाँ दोस्तों, बेसन हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, ये एक नेचुरल क्लेंजर है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, डेड स्किन सेल की लेयर को रिमूव करता है और अपनी आपकी नेचुरल ऑयल को पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, मैंने यहाँ पर कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल किया है। हल्दी क्या करता है, हल्दी में ढेर सारे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे स्किन से दाग धब्बे को या फिर एक्ने रैशेस को इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करती है और स्किन को निखारती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी ग्लिसरिन। ग्लिसरिन हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाती है, स्किन को डिहाइड्रेटेड होने से बचाती है और स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। लेमन में भरपूर विटामिन सी होता है जो कि हमारे स्किन से दाग धब्बे को कम करने में मदद करती है, टैनिंग को रिमूव करती है और स्किन की जो रंगत है यानी स्किन टोन को भी ये निखारने में मदद करती है। तब अब क्या करना है, अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर लूंगी। बहुत ही सिंपल सा रेमेडी है दोस्तों, लेकिन ये काम ना गजब का करता है। आपके घर में ही ये जो सामान है बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और इन सारे चीज़ों को जब आप मिक्स करके अपनी स्किन में अप्लाई कर लेंगे ना तो कमाल की रिजल्ट दिखाएंगी। ये आपकी स्किन से दाग धब्बे को दूर करेंगी, झाइयां पिगमेंटेशन को कम करने में मदद करेगी, आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो लेके आएगी और आपकी स्किन को डीपली क्लीन भी करेगी। बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से एक स्मूथ सा क्रीमी सा पेस्ट एकदम बनके तैयार हो जाएगा और इस रेमेडी को लड़का, लड़की, टीनेजर, इवन अब बच्चों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि दी हमें लेमन जूस सूट नहीं करता है, तो अगर आपको लेमन जूस सूट नहीं करता है तो आप लेमन के लेमन को स्किप कर सकते हैं या फिर लेमन की जगह टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्लिसरिन के बदले आप हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपकी स्किन को सूट करे वो इस्तेमाल कीजिए, जो सूट नहीं करता है उसे इस्तेमाल नहीं करना है। अब क्या करना है, फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। मैं हाथों की मदद से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो किसी ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं और हर स्किन टाइप के लिए ये सूटेबल है। इसमें कुछ भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है और जो जो चीज़ मैंने यहाँ पर डाला है, अगर को कुछ भी चीज़ ऐसा है जो कि आपको सूट नहीं करता है आप उस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसे आप लगा सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैं मेरे फुल फेस पे इसे अप्लाई कर रही हूँ। आप इसे नहाने से पहले इस्तेमाल कीजिएगा या फिर रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करेगा, स्किन को टाइट करेगा, स्किन को स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आएगा। पार्लर में जाके फेशियल करने के बाद स्किन में जैसा ग्लो आता है ना बिल्कुल वैसा ही ग्लो आएगा और ये ना वन डे चैलेंज है, एक बार आप इस्तेमाल करके देखिए इसका जो रिजल्ट आएगा ना इतना अच्छा आएगा कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से मैंने मेरे फेस पे इसे अप्लाई कर लिया है। आप चाहे तो रोज इसे अप्लाई कर सकते हैं लेकिन हमारे बिजी लाइफस्टाइल की वजह से ना हमें रोज इतना सारा वक्त नहीं मिलता है कि हम रेमेडी को बना के उसे अप्लाई करें, तो कम से कम आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इसे इस्तेमाल कीजिए और इसे बना के भी आप फ्रिज पे स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन मैं पर्सनली फ्रेश बना के अप्लाई करना ही पसंद करती हूँ, जैसे कि खाना फ्रेश बना के खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा असर दिखाता है ना, बिल्कुल वैसा ही कोई भी चीज़ हो उसे फ्रेश बना के अप्लाई करना है तो ज़्यादा असर देता है। तो अब क्या करना है, इस फेस मास्क को मैं 10 से 15 मिनट तक मेरी स्किन में छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से अपनी स्किन में वर्क कर सके। 10 मिनट बाद एक चम्मच की मदद से मैं इसे रिमूव कर रही हूँ फेस मास्क को। आप चाहे तो
डायरेक्ट वाटर में भी इसे क्लीन कर सकते हैं। मैं आपके साथ लाइव रिजल्ट शेयर करती हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने ही इसे रिमूव करके दिखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं स्किन में कितना अच्छा ग्लो आया है, कितना अच्छा निखार आया है। ये आपकी स्किन को टाइट करेगा, एजिंग साइन को दूर करेगा, दाग धब्बे झाइया पिगमेंटेशन खत्म करने में मदद करेगा और स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आएगा। अच्छी तरह से रिमूव करने के बाद नॉर्मल वाटर से फेस को क्लीन कर लेना है। और फेस को क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं स्किन कितना क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग हो गई है। ये रेमेडी आपकी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ करने में मदद करेगी। अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे झाइया पिगमेंटेशन है या फिर स्किन में बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, इन सारे प्रॉब्लम को दूर करके आपकी स्किन को एकदम लाइट एंड ब्राइटन कर देगी। तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। रेमेडी को ट्राई करना, कैसा रिजल्ट मिला है जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।